मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि क्या आपको यदि कोई भारतीय कहे व्हाट इफ समवन कॉल्स यू इंडियन तो क्या आप ऑफेंडेड हो जाओगे? तो फिर बिहारी कहने पर इतना बवाल क्यों? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ बट बिहारी इज अ मैटर ऑफ प्राइड आई थिंक। हम यदि किसी पिता की संतान हैं, यदि हमें कोई कहता है तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए। और एज फार एज द वे ऑफ बिहेविंग इज कंसर्न्ड, हाँ गलत करते हैं यदि कोई इल ट्रीट करता है, कोई मिसबिहेव करता है आपके साथ, तो बिल्कुल इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि हमें कोई बिहारी कहे तो बस इतने सी से ऑफेंडेड हो जाना और शर्म महसूस करने लग जाना कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मत भूलिए कि बिहार ही ऐसी भूमि है जहाँ से हजारों लाखों की संख्या में महापुरुषों ने जन्म लिया और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव विश्व में स्थापित किया। आप याद कीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, आप याद कीजिए वीर कुंवर सिंह, आप याद कीजिए अवतारों में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह। आप ऐसे कई नाम सुन लेंगे जो कि कहीं ना कहीं आज हम भूलते आ रहे हैं, उनकी जो परंपरा है उसको हम लोग तोड़ते आ रहे, खत्म करते आ रहे हैं। आर्यभट्ट की बात कर ले, चाणक्य की बात कर ले, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर ले, सम्राट अशोक की बात कर ले। तो अब बात यह है कि आखिर आज के दौर में ऐसा क्या हो गया जो बिहारी एक गाली की तरह यूज़ किया जाता है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कोई कमी है कि हमने एक ऐसा इमेज अपना क्रिएट किया हुआ है कि बिहारी है तो लाइक उनके पास द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ बिहेविंग सही नहीं होगा, उनका बात करने का तरीका, वे गाली गलौज देकर बात करेंगे। मैं और भी तरह के कल्चरल चीज़ें, तो कल्चरल हेरिटेज वो हमारी अपनी धरोहर होती है, मैं इस चीज़ को जज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप में कोई कमी है कि यदि आप गाली गलौज देकर बात करते हो, यदि आप किसी से मिसबिहेव करते हो, यदि आप किसी को हैरेस करते हो, असॉल्ट करते हो, बुली करते हो, तो ये सब कहीं ना कहीं गलत है।